स्टार्टिंग ऑफ रिकॉर्डिंग. एनीवेज, सो तो मैं डिस्कशन जो कर रहा था, एक सिंपल सी बात कि अगर आज शेयर मार्केट हम शुरू करने जा रहे हैं, दादाजी से पूछेंगे तो दादाजी बोलेंगे 700 रुपए था पर मंथ मेरा सैलरी, पापा का 70,000 भी अगर है तो डिफरेंस बहुत बड़ा है. मैं ये जो भी रिकॉर्डिंग है फिर डाल दूंगा. सो अब इसमें हमें पैसिव इनकम पे काम करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहां से मुझे और रिटर्न आए. अब देयर आर मल्टीपल वेज, कोई मुझे सजेस्ट करेगा फिर हम क्या कर सकते हैं. देखो मैं तो जॉब कर रहा हूं या मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, और एट अ टाइम मैं एक ही चीज कर सकता हूं, और एक ही चीज करनी भी चाहिए. उसी में आप मास्टरी करो, उसी में पैसा कमा सकते हो बेहतरीन तरीके से. अब दूसरा ऑप्शन क्या करना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? यस आयुष, एनीवन? यस भाऊ, कुछ सजेशन आपके साइड से? यस, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सुपर सुपर. अच्छा आप बोल रहे हो कोई बिजनेस करना चाहिए, वेरी गुड, बिजनेस करना चाहिए. आई गॉट योर पॉइंट. सो अब बिजनेस करना है तो बेटा मुझे कंसर्न ये है कि तू कौन सा बिजनेस करेगा. तूने एक्स वाई जेड बिजनेस सजेस्ट कर लिया, सोच लिया सर मैं ये बिजनेस करना चाहूंगा, ठीक है. तू जॉब कर रहा है नंबर वन, या तेरा ऑलरेडी कुछ चल रहा है, अब वहां से तू टाइम निकाल के अलग से नहीं जा सकता है. पॉइंट नंबर टू, तो तुझे क्या करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल तू एक कंपनी, तू सोच रहा है कि मैं तो एक कंपनी का एजेंसी ले लेता हूँ सर, लेट्स से टीवीएस मोटर का एक एजेंसी ले लेता हूँ. भाई तू तो जॉब कर रहा है, तू तो बिजनेस कर रहा है, खुद का एक ऑलरेडी है सेटअप, तू दूसरा कुछ और लेना चाह रहा है, अब वो दूसरा किसी और के ऊपर मैनेज कैसे करेगा तू? उसमें तुझे क्या लगने वाला है बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल, बहुत ज्यादा कर्जा, बहुत सारी चीजें, मैन पावर, ये वो सब मैनेज करना पड़ेगा. लेकिन मैं अगर तुझे दूसरा ऑप्शन दू, अच्छा उसमें भी क्या होता है, सीजनल रहता है. अगर मैं तुझे दूसरा ऑप्शन दू कि बच्चा अपन ना सीजनल बिजनेस कर सकते हैं, और वहां पर तुझे किसी चीज की गरज नहीं है, कोई लेबर नहीं चाहिए, कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, सब तू खुद कर सकता है, तो विल इट बी अ वेरी गुड ऑप्शन? या सिंपल सी बात है बच्चा, लोग हियर कम्स इन पिक्चर शेयर मार्केट. मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एजेंसी लेना है किसी कंपनी का, ठीक है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक काम कर सकते हैं ना, मैं टीवीएस मोटर या टाटा मोटर या एशियन पेंट या अंबुजा सीमेंट, इन बिजनेस की एजेंसीज लेने के बजाय मैं काम करूँ क्या, मैं कंपनी के पास जाता हूँ, कंपनी को बोलता हूँ भाई मेरे पास ना पैसे है तू ले ले, कंपनी बैठी है रेडी, हाँ ठीक है दे दो. वो पैसा लेके कंपनी खुद बिजनेस चलती रहेगी, करती रहेगी, और वो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो हमारे साथ शेयर करेगी, वो हमारे साथ शेयर करेगी. एंड हियर कम्स इन पिक्चर शेयर मार्केट. ये शेयर यानी वो प्रॉफिट का मुझे मेरा हिस्सा चाहिए. That is what I call it as share. Did you get the logic? Very simple. Am I right? सही है? तो मैं कंपनी को बोलूंगा, कंपनी भाई ये मेरे पास पैसे हैं, तू ले ले, तू इस पे बिजनेस कर, तू इस पर बिजनेस कर और मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा दे देना. जोर से बोलो जय माता दी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति. पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे समझ में है? Yes, sir. ठीक है सर, ये बात तो एकदम जोरदार. लेकिन आप साथ में बोल रहे थे कि सर फिर अभी सीजनल ये कंपनी को दे दिया, कंपनी डूब गई तो भाई सब पैसा एक कंपनी में नहीं देना है. वेरी गुड, तो तू थोड़ा थोड़ा पैसा हर कंपनी को देते जा, तो मल्टीपल बिजनेस होंगे. तो अब मुझे बता, अगर आयुष तुझे सोच कि तुझे पता है कि दिवाली के सीजन में इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची जाती है, राइट? तो दिवाली के सीजन में मैं गाड़ियों का शोरूम खोल के बैठता हूं. फिर दिवाली हुई कि मुझे पता है इंडिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वो जगह से गाड़ियां निकाल के सीमेंट की दुकान भरते रखो. जैसे सीमेंट हुआ मुझे पता है कि गर्मियां आने वाली है, मैं एसी की दुकान खोल के बैठू. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, लेकिन शेयर मार्केट में पॉसिबल है. तो मैंने सिर्फ एक लॉजिक लगाया, क्या किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी मैं उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, राइट? समझ में आ रहा है? सही है, जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा मैं उस चीज में पैसा इन्वेस्ट करते जाऊंगा. और हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है अभी गर्मी आ रही है, वोल्टास कंपनी के शेयर्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट डिस्कशन है, डिस्क्लेमर, पहले बोल रहा हूं, कल बोल देंगे पहले लेक्चर में वैभव सर ने वोल्टास बोला, एग्जाम्पल है. हौरे बाबा, क्लैरिटी, तनिषा, प्रथमेश, समझ आ रहे हैं? लोखंडे सर नमस्कार, विजू बाबू नमस्कार,
मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो करना क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वोल्टास कंपनी के शेयर्स में अगर कंपनी को मैं पैसा दूं, 3 महीने में पता है वोल्टास की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और आपको ये बात बहुत अच्छा पता है कि गर्मियों के सीजन में एसी कूलर इनके डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाते हैं, तो सेल बढ़ेगा, कंपनी का सेल बढ़ा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा शेयर प्राइस अपने आप बढ़ेगी और तेरा प्रॉफिट का शेयर तुझे मिलेगा। जैसे दिवाली ये खत्म हुई, गर्मियां हम शिफ्ट हो जाएंगे, हम कहां शिफ्ट होंगे पता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर त्योहारों का सीजन है, तो वो कंपनियां जो तुम्हारा स्वीट्स बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है, जिसे हम एफएमसीजी कहते हैं, आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनका सीजन, तो सीजनल धंधा, तो सीजनल धंधा, ये मेरा कहना है। शेयर मार्केट इसको बिल्कुल जुए की तरह नहीं देखना है, जो लोग इसको जुए की तरह देखते हैं उनका परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी है, इसको देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसको बिजनेस की तरह देखो बच्चों। बिजनेस में क्या करेगा तो आयुष, दुकान खोल के बैठेगा, सस्ते में माल लाएगा और जब महंगा होगा तब बेचेगा, राइट? बस सेम चीज करेंगे। जब ऑफ सीजन रहता तब मैं माल भर के रखूंगा, मुझे मालूम है सर्दियों में कोई एसी खरीदता नहीं, क्या रहेगा उस समय, एसी सस्ता रहेगा, एसी में सेल्स मिलेंगे, उस समय सस्ते भाव में माल भरो और जैसे डिमांड बढ़ेगी महंगे भाव में बेचो। क्लियर? सही जा रहा हूं क्या मैं? आप अगर मुझे कमेंट्स में बताएंगे ना तो थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा, हौसला अफजाई होगी बच्चा लोग। यस सर, वेरी ट्रू। सही जा रहा हूं क्या मैं? यस सर, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चा लोग, वेरी ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अब मुद्दे की बात क्या है सर? ये बात तो एकदम सच्ची बता दी आपने, ये तो एकदम जहन में बैठ गया कि शेयर मार्केट क्या है। सबको क्लियर? किसी को कुछ और डाउट है? मैं लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं बच्चा, एकदम आपको समझ में आया, ऐसी बात करना है अपने को, कोई बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े वर्ड यूज नहीं करना है, मैं सब आपको ब्रेक करके बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। सही है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या शेयर मार्केट फिलहाल अपने को समझ में आया? अपना एक मार्केट है जहां पे मैं सीजनल धंधा करूंगा, सीजन वाइज मैं अपनी दुकानदारी चलाऊंगा। क्लियर वर्ड? क्या सर एकदम बिजनेस की जैसे बात कर, बराबर है? अब समझो आगे की बात। सर ठीक है, बोले हम तो ये बात तो समझ में आ रही है कि आपने बोल दिया कि सर दुकानदारी करने का है, माना। अब दिवाली आ रही, बोले सर आपने मुझे बताया था कि दिवाली में बोले इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है, बोले गाड़ियां है, बोले उनके शेयर बहुत बढ़ेंगे। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम यह है, बोले सर मैं मारुति की गाड़ी लू, टाटा वालों की एजेंसी लू, टीवीएस मोटर की लू, अशोक लेलैंड लू, महिंद्रा लू, टाटा, कितनी सारी कंपनियां है सर, मैंने किसकी एजेंसी लेनी है या मैंने कौन से शेयर्स में ध्यान देना है, राइट? अब मैं बात करूंगा कंपनी ओरिएंटेड, तो सर मैंने कौन से कंपनी में पैसा डालना है। बच्चा लोग अब समझ लो बात, पहली बात तो मुझे ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कंपनीज कौन सी है जिसका डिमांड फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर अब ये कैसे समझेंगे और क्या क्या देखना पड़ेगा, जैसे टाटा मोटर्स 80 रुपए था 2020 में, किसी ने ध्यान दिया? आज 800 रुपए, 900 रुपए आज टीवी में आया, जिस दिन टाटा मोटर्स ने, वो कौन सी बड़ी कंपनी है सर, जैगुआर, जैगुआर को उठाया, पूरी दुनिया ने हंसे, बोले इतनी महंगी कंपनी खरीद के लेके आए, बोले ये क्या काम की बात है। अरे साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी भी लाई थी टाटा ने, तो इंडिका और सुमो के अलावा क्या था, आप समझ रहे हो? मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज पीछे छोड़ा है टाटा मोटर से, 80 रुपए का 800 रुपए हो गया विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ जस्ट 3 to 4 years, जस्ट 3 years। विजन आपको समझना है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अब टेक्निकली आपको समझना है, सर इतनी सारी कंपनी से लेकिन कुछ तो लूप होल सुने, हमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है, ये पी रेशो, ये रेशो, ये क्या है, ये सब धीरे धीरे समझे। तो सर एक सिंपल बात बताओ, बोले सर हम आपके पास आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्टलिस्ट करने के लिए वैभव सर के पास आना पड़ेगा सीखने के लिए कि शॉर्टलिस्ट कैसे करना। अच्छा दूसरा एक विषय, शॉर्टलिस्ट करने का और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो हम डिस्कशन एक एक शुरू कर रहे हैं, हर चीज इन डिटेल जाएंगे, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में आपकी और मेरी भाषा में बात करूंगा। शॉर्टलिस्ट करने के लिए मुझे एक चीज देनी पड़ेगी, मैं जिस कंपनी को पैसा दे रहा हूं वो कंपनी में से जब प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट मेरे को क्या परसेंटेज से आता है। अब देखो जायज है, हर कंपनी बिजनेस करने के लिए लोन ले रही है, बोलो हाँ या ना। अब जिस कंपनी पे ज्यादा लोन है उसका एक प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे उसका इनकम आएगा
पहला तो लोन का कर्जा देने में जाएगा, राइट, और जो बचेगा वो आपके साथ शेयर होगा। तो क्या मैंने वो कंपनी ढूंढनी है जिसपे कर्जा कम है? तो 6 कंपनीज में से एक कंपनी या 50 कंपनी में से वो 2 कंपनीज ढूंढने का दूसरा पैरामीटर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखना होता है। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, लेकिन आपकी मेरी भाषा में, जिस कंपनी पे कर्जा कम वो मेरे तो ज्यादा बेनिफिट देगा। बोलो हाँ या ना सर। बच्चा लोग ना, सीनियर मोस्ट ऑल्सो एवरीवन, द थिंग इज व्हाट, मैं 11 12 सीए फाउंडेशन बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आदत वही है, प्रोफेशनलिज्म में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिलिंद सर, लोथंडे सर, विजय सर, सचिन सर, थोड़ा सा टाइम आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, इसी तरह हम चलने वाले है। कुछ चीजें हमने देखनी है सर, ये बात तो समझ में आ गई सर। इसका पोटेंशियल क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखो बच्चा लो, कंपनीज ना एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। आपको पता है विप्रो नाम की एक कंपनी है, हैव यू हर्ड विप्रो? आईटी कंपनी है विप्रो नाम की, आपको पता है? अगर किसी ने 1980s 90s में सिर्फ 10,000 रुपए विप्रो में डाले होते, विप्रो में ओनली 10,000 रुपीज, तो कोई मुझे बता सकता है आज का वैल्यूएशन कितना हो सकता है विप्रो का? 5 to 6 crore? एनी गेसेस? Yes, anyone guesses? Please type करो, come on quick, मजा आ रहा है मुझे, चलो जल्दी। प्रथमेश सर 20 crore? टाइप में सुन नहीं पाऊंगा, एक्चुअली मेरे पास वो नहीं है। 10 crore? आयुष, ओके, समवन मोर? 15 crore? शरद सर 15 crore? Yes, it is around 700 crore। ये तो पुराना है, जब मैंने एक्चुअली 6-8 महीने पहले पीपीटी बनाया था तब का है। आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अगर मैं आपको गूगल बताऊ, वी कैन गो टू गूगल ऑल्सो एंड वी कैन सर्च इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड 10,000 इन विप्रो। आपके सामने है बच्चा, कितना हुआ? 471 8,016 crore। This is the potential, this is the exponential concept। हाँ, बट अच्छी कंपनी में पैसा डालकर वहां पर पेशेंटली वेट करना, ये साइकोलॉजी है। और शेयर मार्केट में हर ट्रेडर फेल क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है, छोटा प्रॉफिट मोटा लॉस। कम ऑन वंस अगेन, ये अपने को लर्न करना है जिंगल, छोटा प्रॉफिट मोटा लॉस, बस ये साइकोलॉजी से जो बाहर निकल गया वो पैसा बनाया, ये साइकोलॉजी से जो बाहर निकला उसने पैसा बनाया, बस ये साइकोलॉजी समझ लो, विषय संपला। Yes, Vijay sir, I understood, I got it, somewhere 1016 crore. Superb. Let's move further. Right? चलो ना, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग ने सबसे अजूबा, आइंस्टाइन का नाम सुना है क्या आपने? बराबर है, उन्होंने कहा है दुनिया अजूबा ये कंपाउंडिंग है। क्या है ये? कंपाउंडिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, आज हम डिस्कशन करेंगे, पहले 2 मिनट बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी क्या होता है? पैसे से पैसा बनता है। देखो, इंटरेस्ट 2 टाइप के, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी ओनली इंटरेस्ट मिले, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, पैसे पे पैसा और मिलना। तो जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्टेड रहेंगे ना, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, करेक्ट है? जितना ज्यादा टाइम हम इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं आपको जस्ट एक कैलकुलेशन, आज की डेट में हम लोग सब SIP के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट बहुत बूम कर रहा है, लाइफ टाइम हाई पे है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ,
कि भाई एक मैं थोड़ा सा अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूं आज से, लेट्स टेक एन एग्जांपल 25,000 रुपए महीना सेव कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% भी कंसिडर कर रहा हूं, टाइम पीरियड 10 साल, कितना हुआ 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 28 लाख रुपए एक्स्ट्रा और 58 लाख रुपए हुआ। आपको मजे की बात बताऊं, अगले 20 साल में क्या होना चाहिए, 10 के बाद 20, सर 58 लाख का 1 करोड़ होगा। लेकिन आप देखो, दैट इज द ब्यूटी, आप जितना ज्यादा समय प्रॉपरली इन्वेस्टेड रहेंगे। अब अगर मैं गलती से, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन अभी से जो स्टूडेंट्स है वो सोचे 25 साल, और ये तो मैंने एकदम बेसिक रेट लिए 12%, अगर जो करंट मार्केट रेट है 15% तक रिटर्न्स मिले हैं पर एनुअम, हो गया रिटायरमेंट प्लान। मैंने जैसे 25,000, आप तो लाख रुपए में 60,000 खर्चा करके 40,000 रुपए बचा रहे थे, मैंने तो 25,000 का हिसाब लिया। ये है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आएंगे हम इन सब चीजों पे आएंगे, आज का पहले डिस्कशन हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात, क्या आपको व्हाट इज अ शेयर, व्हाट इज अ कंपनी, ये चीज समझ में आई, राइट? परफेक्ट है, ओके। अब देखो, शेयर मार्केट, इसका नाम ये मार्केट है, ये मंडी है, और ये शेयर मार्केट, इसमें सारे अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे ऑटो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है जिसमें रिलायंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, अपना BPCL, HPCL, ये शेयर्स आते हैं। फिर तुम्हारा फार्मा सेक्टर, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, ये कंपनीज। फिर उसके बाद IT सेक्टर, इंफोसिस, TCS, विप्रो, ये सारी कंपनीज, ये सारे सीजनल धंधे, सारी कंपनीज है इंडिया में। लगभग कुछ 3,000-4,000 कंपनीज लिस्टेड है, मतलब ये वो कंपनीज है जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? परफेक्ट है, ओके। नाउ अगला स्टेप, सो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है शेयर मार्केट क्या है, और जहन में बैठ रहा है कि हम हमारा पैसा कंपनी को दे रहे और कंपनी उस पैसे को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, बिजनेस बढ़ाएगी और हमको हमारा पैसा देगी, विषय सांपला। अब शुरू कहां से करें और होता कहां से, राइट? तो कंपनी सबसे पहले आपके पास आती है IPO लेके, इनिशियल पब्लिक ऑफर। शुरुआत में पहली कोई भी कंपनी एक इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज कॉल्ड एज IPO। आपने ये वर्ड सुना है IPO, सब लोगों ने सुना है क्या, हैव यू हर्ड? यस, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये कंपनी सबसे पहले आपके पास आएगी, लेकर आने के बाद आपसे पैसे मांगेंगे, शुरुआत में आप उन्हें पैसे दे दोगे, राइट? और उसके बाद IPO के बाद आगे कंपनी जैसे ही IPO में से आपसे पास पैसे पूरा जुटाएगी, और वो एक लिस्ट होगी, कहां होगी, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज नाम लिख लो, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या है सर, NSE क्या है सर, अब देखो समझो विषय की बात। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि मैं सीजनल धंधा करूंगा, तो द थिंग इज व्हाट, मैं कंपनी के शेयर्स परचेस करूंगा, उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसा दूंगा। लेकिन जब मुझे बेचना है, मैंने 100 रुपए में लिया था, अभी 140 रुपए हो गए शेयर के प्राइसेस, मुझे बेचना है। अब बेचने के लिए मैं कस्टमर थोड़ी ढूंढते जाऊंगा, कहां है। ये हमारे मार्केट की ब्यूटी, हमें कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ता, कस्टमर इन एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, फिर मैं उन्हें शेयर्स दूंगा, वो पैसे मुझे वापस करेंगे। Did you get the logic? NSE and BSE. Are you with me? हो सकता है मैं थोड़ा आज बहुत डिटेल जा रहा हूं, लेक्चर वन है इसलिए मैं मेंटली उसी चीज को प्रिपेयर्ड हूं एकदम जीरो से। आपका पैड मेरे पास नहीं है, कुछ रह गया और? एक्चुअली मेरी पेंसिल मिसिंग है, शायद उधर भूल जाए मैं। नहीं, ठीक है, गरज नहीं, थैंक यू, मैं ले लूंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, देन सुपर जा रहा हूं ना, सही जा रहा हूं, आप मुझे गाइड करते हुए चलो, एकदम सही जा रहे ना। हाँ, NSE एंड BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंजेस है, ठीक है। अब मेजर ट्रेड होता है NSE पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा 2000 कंपनीज, 2500 कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन इसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया,
एक 50 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया, ये बोले इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, तो अब अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये 50 कंपनीज में सारे सेक्टर आ गए और उनका एक बंच बना दिया और उस बंच को हम कहते हैं निफ्टी। क्या कहते हैं? निफ्टी। हैव यू हर्ड द वर्ड निफ्टी? आज निफ्टी इतना भागा, सुना ना, राइट? और बीएससी ने 30 कंपनी का पंच बनाया, 30 कंपनीज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, राइट? सेंसेक्स में 30 कंपनियां और निफ्टी में 50 कंपनियां। अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाली ये है निफ्टी और सेंसेक्स। अब देखो आज का मार्केट अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल